मुरादाबाद के ईदगाह मैदान में पिछले एक हफ्ते से चल रहे CAA के खिलाफ धरने पर आज पहुंचे कांग्रेसी नेता और मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने गुजरात के मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को मंच से घुसपैठिया कहते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला और मंच से कई बार मोदी और अमित शाह को झूठा बताते हुए सामने मौजूद लोगों से खूब तालियां बटोरी। वहीं आज इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि जिस 3 शाहीन बाग में गोली चली थी वो खुद वहां पर मौजूद थे। यहाँ पे बहुत लोग खड़े हैं, मैंने कोशिश भी करी, मेरी बात हुई DM साहब से, हमने कहा आप परमिशन दीजिए, हम एक बड़ी एहतियाती रैली करना चाहते हैं। उन्होंने हमसे कहा ठीक है आप परमिशन अप्लाई करवाइए, लेकिन बस ये दर्द किससे कहूँ, ये दुखड़ा किससे रहूँ। ये इसी शहर में ऐसे भी मुनाफिक है जिन्होंने कहा कि नहीं हम जामा मस्जिद पार्क नहीं देंगे, हम नहीं देंगे आपको। जब मेरे आने की बात हुई तो ऐसी ऐसी चिट्ठियां रिलीज करवाई गई, धमकियां भिजवाई गई कि आओगे तो अरेस्ट कर लिया जाएगा, आओगे तो ये कर दिया जाएगा। मुरादाबाद वालों, ये वो मिट्टी है जहां मैं अपना दामन फैला करके आपके बीच आया था ताकत मांगने के लिए, क्योंकि मैं जानता था ये दिन आने जा रहा है, मैं जानता था कि हिंदुस्तान में ये वक्त आने जा रहा है। मैं जामा मस्जिद पार्क में खड़ा होकर के जब अपने आंसुओं से अपना दामन तर करके आपसे कह रहा था कि मेरी आवाज को मजबूत कर दो। आपका फैसला सर माथे पर, आपने जो भी फैसला लिया उसे कबूल करता हूं, मैं आपका बेटा हूं, आप सबके लिए सबके हवाले न करो। ये तो बुझ जाते हैं बुझने की मेजबानी से। मुरादाबाद वालों, आज वक्त बहुत बुरा है, एक ऐसा वक्त है जब पूरा हिंदुस्तान सड़कों पर निकला हुआ है। प्रशासन के जरिए आपको डराने की कोशिशें की जा रही है, धमकाने की कोशिशें की जा रही है। मैं तो प्रशासन के साथियों से भी कहना चाहता हूँ कि हम तो फूलों के कारोबारी हैं, हम तो लफ्ज बेचते हैं, हम तो लफ्जों का कारोबार करते हैं। एक शायर से आखिर डर किस बात का, एक शायर के लिए इतने इंतजाम। हमारी लड़ाई आपसे नहीं है, हमारी लड़ाई शासन से है, प्रशासन से नहीं है, हमारी लड़ाई शासन से है। मेरे भाई मुरादाबाद वालों, मैं तो प्रशासन से यह कह रहा हूँ कि जो कागज इमरान प्रतापगढ़ी को दिखाना पड़ेगा, जो कागज रिजवान कुरैशी को दिखाना पड़ेगा, अहमद को दिखाना पड़ेगा, नदीम साहब को दिखाना पड़ेगा, असलम खुर्शीद साहब को दिखाना पड़ेगा, असद मौलाई साहब को दिखाना पड़ेगा, मोहम्मद अल्लाह चौधरी साहब को दिखाना पड़ेगा, वही कागज उन इंस्पेक्टर साहब को भी दिखाना पड़ेगा जो ई रिक्शे पर रोक करके गालियां बक रहे थे, उन्हें भी देना पड़ेगा। मुझे मिला जब वो वीडियो तो मुझसे खामोश नहीं रहा गया। मैंने लखनऊ से लेकर के